आज आप लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, लगातार इस तरह का आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या है मांगे आप लोगों? हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन। इस मांग के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को पूरी करे, क्योंकि यह हम सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सम्मान है, बुढ़ापे का स्वाभिमान है। अगर यह हम लोग को नहीं मिल पाती है तो बुढ़ापे में हमें दर दर की ठोकने खाने को मिलेंगे और हम बेसहारा हो जाएंगे। जब हम 62 वर्ष की उम्र के बाद जब रिटायर होते हैं तो हमारे पास पुरानी पेंशन के सिवा और कोई सहारा नहीं होता है, और इस सहारे के द्वारा ही हम अपने जो है बाकी जीवन को का निर्वहन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से संगठन आपका सहयोग कर रहा है? इसमें यूटा के हमारे जिलाध्यक्ष श्री शिवम अग्रवाल जी हैं, और भी जिन जिले में संगठन है सभी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, और सभी लोग एक स्वर के साथ यह चाहते हैं, यह मांग रख रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो जल्द से जल्द। अभी हम लोग का 26 नवंबर को दिल्ली में संसद मार्च कार्यक्रम है, उस मार्च कार्यक्रम के द्वारा हम संसद घेराव करेंगे, जिसमें सरकार को बाध्य होकर के हमारी पुरानी पेंशन लागू करना होगा। आप लोगों का बुद्धि शुद्धि यज्ञ चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन द्वारा हर जिले में बुद्धि शुद्धि यज्ञ गवर्नमेंट की बुद्धि को साफ करने के लिए किया जा रहा है कि किसी तरह उनकी बुद्धि स्पष्ट हो जाए और वो हमारे शिक्षक भाइयों को और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कार्य करें, जिससे कम से कम उनकी बुढ़ापे की लाठी उनको मिल जाए तथा वो अपने बच्चों का जीवन और अपना जीवन सुदृढ़ कर सकें। इसलिए यह इस यज्ञ का आयोजन आज यूटा के तत्वाधान में सोनभद्र में किया जा रहा है, जिसे सरकार को एक मैसेज भेजने का काम किया जा रहा है कि कम से कम आप हमारे समस्याओं को समझें और हमें हमारा हक देने का कार्य करें। ये लगातार आप लोगों की मांग चल रही है, लेकिन सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अब अगला कदम यही होगा जो प्रदेश नेतृत्व हम लोग को बताएगा, लेकिन अगर ये हमको पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो हम भी कुछ न कुछ नए कार्यक्रम करते रहेंगे, और इनको चेतावनी दे रहे हैं आज कि अगर नहीं देंगे तो हम भी इनको वोट नहीं देंगे, न तो इनको कहीं भी सहयोग करने का कार्य करेंगे।